नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं एन टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े प्रमुख खबरों का। समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी खिलाफ दर्ज हुई FIR। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट। मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ IPC की धारा 354B, 507, 509 और IT Act धारा 67 में दर्ज हुआ केस। प्रयागराज के सुकुटी थाना में दर्ज हुई मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ FIR। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से रजनीकांत ने की मुलाकात। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजभवन में की राज्यपाल से मुलाकात। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग आज 2 बजे प्लाजियो मॉल में होगी स्क्रीनिंग। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे वहां मौजूद। शाम में मुख्यमंत्री योगी से रजनीकांत की होगी मुलाकात। वहीं CM आवास पर CM योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे रजनीकांत। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल की आज होगी लॉन्चिंग। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल को 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इस रिवॉल्वर को कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया AWEIL द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। यह रिवॉल्वर 32 बोर की है और 50 मीटर तक अपना निशाना साध सकती है, जो भारत में अन्य रिवॉल्वर से दोगुनी से भी अधिक है। इसका वजन सिर्फ 700 ग्राम है और इसे महिलाएं अपने हैंडबैग में बड़े आराम से रख सकती हैं और इसका ट्रिगर खींचना भी बेहद आसान है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। फिलहाल लखनऊ के खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।